क्या सीखे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड्स ऑफ एनिमल्स के बारे में। देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। देयर आर डिफरेंट शेप्स, साइजेस ऑफ एनिमल। सम आर स्मॉल, सम आर वेरी बिग। गॉड हैज क्रिएटेड सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स। Some are so small that we need a microscope to see them. Some are really big, like a blue whale. Some animals live on land, some in water, some have wings, they can fly. So, we saw different animals, we see different types of animals, birds, insects everywhere around us. So today we are going to study about animals, types and different types of sizes of animals. So some animals are wild, some are farm, some are domestic, some are aquatic, some are amphibians, some are birds, some are insects. So आज हम वही देखेंगे कि हम बहुत सारे डिफरेंट एनिमल्स के बारे में जानते हैं, लेकिन वो किस किस टाइप्स में आते हैं वही आज हमें पढ़ना है। जैसे एनिमल्स लाइक टाइगर एंड वुल्फ्स दैट लिव इन द जंगल आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। वंस अपॉन अ टाइम ऑल द एनिमल्स लिव्ड इन द जंगल, टुडे वी कैन ऑल्सो सी देम इन अ जू। सो आप लोग जू गए होंगे तो मोस्टली जो सारे वहां पर एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो सारे के सारे वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। दे आर वाइल्ड इन नेचर, सो दे केप्ट इन अ जू इन अ केज, सो दे आर कॉल्ड वाइल्ड एनिमल्स। तो पहले सारे एनिमल्स जंगल में ही रहते थे, फिर अब हम उन्हें जू में भी देख सकते हैं, लाइक लायन, टाइगर, एलिफेंट, जिराफ, जेब्रा, ऑल दीज आर वाइल्ड एनिमल्स। देन ह्यूमन बिगिन टू टेम सम एनिमल्स फॉर देयर यूज और प्रॉफिट। एनिमल्स लाइक cow, goat, sheep, horse, etc. that are kept and raised on the farms are called as farm animals. तो human beings जो थे हम इंसान, उन्होंने धीरे धीरे कुछ जानवरों को अपने use के लिए पालना शुरू किया, और ये जानवर wild भी नहीं थे और ये violent भी नहीं होते हैं ये ज्यादा, जैसे कि काउ, गोट, शिप, हॉर्स। और इनसे हमें, काउ से, गोट से हमें मिल्क मिलता है, शिप से वूल मिलता है, हॉर्स से हमें इधर उधर जाने के यूज होता है, सामान लोड करने के यूज में काम आता है हॉर्स। इसी तरीके से ये जो जानवर होते हैं एनिमल्स, ये हमारे बहुत काम आते हैं। तो इन जानवरों को हम अपने फार्म्स में रखते हैं, इसलिए इन एनिमल्स को क्या बोलते हैं, फार्म्स एनिमल्स। आपने पोयम सुनी है, ओल्ड मैकडोनल्ड हैज अ फार्म E-I-E-I-O एंड ऑल हिज फार्म हैज सम काउ E-I-E-I-O। तो उसमें कितने सारे डिफरेंट फार्म्स एनिमल्स के नाम बताए हैं। आप चाहो तो वापस से वो पोयम जाके रिसाइट कर सकते हो, उसमें कितने सारे फार्म एनिमल्स के बारे में बताया है। उसी तरीके से नेक्स्ट होता है डोमेस्टिक एनिमल्स। एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड कैट्स दैट लिव विथ ह्यूमंस आर डोमेस्टिक एनिमल्स। एनिमल्स विच लिव इन होम्स एंड फार्म्स आर यूजफुल टू अस एंड हेल्प अस इन मेनी वेज। सो एनिमल्स
जो एज अ पेट ह्यूमन के साथ रहते हैं, जैसे डॉग कैट्स जिनको जिनके घर भी होते हैं, डॉग कैनल में रहता है। ये हमारे लिए भी यूजफुल होते हैं। फार्म्स एनिमल्स इज ऑल्सो डोमेस्टिक, लाइक डोमेस्टिक एनिमल्स इन द कैटेगरी ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। ये जो एनिमल्स होते हैं ये हमें डिफरेंट वेज में हेल्प करते हैं। अब बिसाइड वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स देयर आर अदर ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। वी हैव टू ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। एंड इन द डोमेस्टिक एनिमल्स सम एनिमल्स आर फार्म एनिमल्स। देन बिसाइड दिस वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स देयर आर अदर टू ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स दैट आर एक्वेटिक एनिमल्स। मीन्स द एनिमल्स विच लिव इन वॉटर लाइक फिश, फ्रॉग, लाइक फिश, डॉल्फिन, दैट आर एक्वेटिक एनिमल दैट लिव्स इन अ वॉटर। देन एम्फीबियंस, वॉट आर एम्फीबियंस? एम्फीबियंस आर एनिमल्स दैट आर लैंड एनिमल ऑल्सो एंड वॉटर एनिमल्स दैट लिव बोथ इन वॉटर एंड ऑन लैंड लाइक फ्रॉग एंड क्रोकोडाइल। तो एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं? जो सिर्फ पानी में रहते हैं, जैसे फिश। और एम्फीबियंस मतलब वो एनिमल जो पानी में भी रह सकते हैं और पानी के बाहर भी रह सकते हैं। जैसे फ्रॉग को आपने देखा होगा वाटर में भी रहता है, क्रोकोडाइल को देखा होगा वाटर में भी रहते हैं और बाहर लैंड में भी आके रहते हैं। तो ये क्या होते हैं? एम्फीबियंस। फिर मोस्ट बर्ड्स फ्लाई एंड ले एग्स। तो उसके बाद बर्ड्स आते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स और एम्फीबियंस के बाद बर्ड्स। बर्ड्स आर नॉट एनिमल्स बट बर्ड्स जो होते हैं जो फ्लाई कर सकते हैं वो अंडे देते हैं, जैसे स्पैरो, पिजन, क्रो, पैरट। दीज आर द कॉमन बर्ड्स। और अदर आपने बर्ड्स देखा होगा जू में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स। देन इंसेक्ट्स, व्हाट इंसेक्ट? इंसेक्ट्स आर क्रॉलिंग, फ्लाइंग और क्रीपी क्रिएचर्स लाइक हाउस फ्लाई, मॉस्किटोज, एंट्स। दीज आर वॉर्म्स, बटरफ्लाई, दैट ऑल आर इंसेक्ट्स, स्मॉल क्रिएचर्स। सो इतने डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स और ये सारे इंसेक्ट, बर्ड्स, ये सब ऑल अराउंड ऑफ अस बहुत सारे होते हैं। तो बिसाइड ह्यूमन बींग्स और प्लांट्स, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे चारों तरफ सराउंडिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइजेस के, टाइप्स के, शेप्स के एनिमल्स होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। सो डोमेस्टिक एंड फार्म एनिमल्स, तो अब हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। डोमेस्टिक एंड फार्म एनिमल्स क्या होते हैं? डोमेस्टिक एनिमल्स विच लिव्स विथ अस, और फार्म एनिमल विच एनिमल्स विच लिव्स इन अ फार्म। सो एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, काउज, मूल्स, शेप्स, फिशेस एक्सेट्रा आर फार्म एनिमल्स। दे नॉट ओनली प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट, एग्स, वूल एक्सेट्रा, बट ऑल्सो हेल्प इन हैवी वर्क। डॉग्स, कैट्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स दैट लिव विथ अस इन आवर होम्स आर डोमेस्टिक एनिमल्स। दे डिपेंड ऑन ह्यूमन फॉर फूड, वॉटर एंड देयर शेल्टर। ओके, लाइक हॉर्सेस गिव राइड्स ऑन रोड्स, हेल्प इन पुलिंग हैवी लोड्स लाइक डोंकी
also helps farmer. Some animals are pets like a bird or a cat. So animals help us in a very different ways. So what is water? Domestic and farm animals. So domestic and farm animals are same. Only difference is that domestic animals lives in our house, depend on us for their food and shelter, and farm animals lives on a farm. Nothing else, same thing. So अब हम देखते हैं कि डोमेस्टिक एनिमल्स कौन कौन से होते हैं. लेट्स सी. फर्स्ट डॉग. सो डॉग क्या करता है? डॉग हेल्पर्स टू डॉग गार्ड अवर हाउस. नेक्स्ट डोमेस्टिक एनिमल इज cat, then fish, birds like canary birds. These types of birds are domestic animals. इस तरीके के birds, canary birds वगैरह को भी तो हम लोग अपने pet की तरह रखते हैं. ये डोमेस्टिक के कैटेगरी में आते हैं. ये डिपेंड करता है हम पर, अपने खाने के लिए. कैट्स बाहर भी घूमते हैं, डॉग्स बाहर भी घूमते हैं, लेकिन एज अ पेट हम लोग इसे अपने हाउस पे रखते हैं और उन्हें खाने को देते हैं, रहने को पानी देते हैं, पीने को घर देते हैं, और फार्म एनिमल्स देखते हैं जिन्हें हम फार्म्स में रखते हैं, जो हमारे बहुत हेल्प करते हैं. बुल हेल्प अस टू इन प्लगिंग अवर फील्ड, हेल्प्स द फार्मर लाइक शेप, गिव अस वूल. हाँ, डोमेस्टिक एनिमल्स तो पेट एनिमल्स बोलते हैं. फार्म्स एनिमल में हेन विच गिव अस एग्स, और काउ गिव अस मिल्क, हनी बी गिव अस हनी, मूल और डोंकी हेल्प इन कैरी अवर लोड. सो दीज आर द फार्म एनिमल्स. सो हॉर्स, डोंकी, शेप, हैन, cow. These are the few farm animals. Domestic and farm animals are useful and help us in many ways. The next one is wild animals. Wild animals live in the jungle and we can also see them in the zoo. So zoo mein wild animals aapne dekha hoga. So kaun kaun se wild animals hame wahan zoo mein dikhte hain? Lion, tiger, elephant, wolf, leopard, zebra, bear, deer, etc. So many wild animals you can see in zoo. So
Zoo is the short form of zoological garden. मतलब जानवरों का गार्डन जो होता है that is called zoological garden. The first zoo was started by a Chinese king. The cheetah is the fastest animal. It can run at a speed of 70 miles per hour. So we can see so many animals in the zoo. Next is aquatic animals and amphibians. So, what are aquatic animals? The animals that live in water are known as aquatic animals. Animals जो पानी में रहते हैं वो क्या होते हैं? Aquatic animals होते हैं. The animals that live in वॉटर मतलब जिनका घर होता है पानी. लाइक एग्जाम्पल फिश, व्हेल, शार्क, डॉल्फिन, दैट आर एक्वेटिक एनिमल्स. Octopus, that are aquatic animals. And what are amphibians? So many types of fish and other aquatic animals you can see in water. And amphibians means that live both land and water. So amphibians lives in land plus water. They are called amphibians. Like frog, duck, then crocodile. Crab. These are called amphibians, lives both on land and water. Even the tortoise. So, did you know frogs drink and breathe through their skin? So, these are aquatic animals and amphibians. Next. Next is birds. So, birds are animals that usually fly and lay eggs. They have wings, feather. So, for example, crow, pigeon, parrot, sparrow, the beautiful peacock, owl, etc. So, peacock is the national bird of India. It is so colorful that an Arctic tern, every year it travels from cold country to the warm country. They are the migratory birds.
These birds that travel long distances to protect themselves from the harsh winter are called migratory birds. Migratory birds come to India from Siberia and different parts of the world. The best place to see them, the best place to see birds is a bird sanctuary like the Bharatpur Bird Sanctuary. Birds from all over the world come to stay in these bird sanctuaries for few months during winters. The sanctuaries were made to protect these birds. So these are the birds. And which bird is your favorite? Next one is insects. Insects are also animals. They are tiny and found everywhere. Most insects have the following parts like wings, legs, so many legs, feelers, head, mouth, thorax and abdomen. So insects jinhe hum kide makode bolte hain, like the most beautiful insects, can you name? That is butterfly. That is butterfly. The most beautiful is the butterfly. Then, you know, next. Mosquito, ant, housefly, cockroach, all these are insects. The bee, the wasp, the mosquito, the housefly, dragonfly. All these are insects. They are creepy creatures, crawly creatures, tiny. Some have six legs. They have wings, abdomen, six legs, thorax, mouth, head and antenna in their head. These are insects. So, some organization is working for the animals. Some of the organization working for the animals and the nature, the organization to protect the wildlife is WWF, Worldwide Fund, like PETA, that is working for the animals. So everybody have duty to protect animal and to protect our nature. So like Society for Prevention of Cruelty Towards Animal, SPCA. That is one more organization. Let's study about home and shelter. So, अब हमें एनिमल्स के बारे में सब कुछ पता हो गया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स किस कैटेगरी में आते हैं सब एनिमल्स. देन ऑल एनिमल्स नीड्स होम और शेल्टर. ऑल एनिमल्स नीड अ शेल्टर और अ होम ऑन देयर ओन. लाइक बर्ड्स लाइक टू बिल्ड नेस्ट
in trees. Some birds like sparrow build their nest inside people's house. Animals like lizard to live inside people's house. Some animals like rabbits dig burrows and live under the earth. Animals like monkeys and squirrels live in the tree as a shelter. Ants and bees build elaborate homes. They live together in colonies. So, कुछ animals के नाम देखते हैं और उनके होम को क्या बोलते हैं वो देखते हैं. फर्स्ट वन इज लॉयन. फर्स्ट लॉयन. लॉयन लिव्स इन अ डेन. रैबिट लिव्स इन अ burrow. Then tiger. Where the tiger live? Tiger live in a cave. Where the bird live? Bird lives in a nest. So, monkey lives on a tree. Dog ke house ko kya bolte hain? Kennel. Hen ke house ko kya bolte hain? Home ko? Coop. Like this. डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट डिफरेंट होम के नेम्स होते हैं. सो आई होप आपको जो एनिमल्स हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, फार्म्स एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.